सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना काम कर रहे होंगे अच्छी तरह से। आज मैं व्याकरण का एक विषय लेकर आई हूँ जो है आपका भाषा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों की भाषा क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भगवान ने, देखो ईश्वर ने असंख्य जीवों को पैदा किया है। ठीक है, धरती पर असंख्य जीव जो हैं वो पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें जो इंसान है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? बोलते तो पशु पक्षी भी हैं, लेकिन इंसान को जो बोलने की शक्ति दी गई है उसके माध्यम से इंसान जो है अपने सुख दुख को, अपनी खुशी को, अपने गम को एक दूसरे को बांट सकता है। ठीक है, और यही बोलने की शक्ति, यानी जिस माध्यम से वो अपने दुख सुख को, अपनी खुशी को एक दूसरे में बांटता है, एक दूसरे से बांटता है, वो माध्यम क्या है? हमारा भाषा। उस माध्यम को क्या कहेंगे हम? भाषा। यानी जैसे मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मैं आपको भाषा के बारे में बता रही हूँ, तो मैं जो है आपको कुछ समझा रही हूँ, तो जिस चीज का प्रयोग कर रही हूँ वो क्या है? भाषा। समझ में आई आपको भाषा का क्या अर्थ होता है? देखो बेटे, परिभाषा के अनुसार भाषा क्या होती है? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन क्या है? भाषा है। अब आप भाषा का मतलब समझ गए होंगे कि हम अपने मन के जो विचार हैं वो दूसरों को बता सकते हैं, और दूसरा क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा जो आता है आपका भाषा के रूप। बच्चों भाषा जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है। जैसे इसके रूप दिए हुए हैं, हमारी जो किताबें हैं उसमें दो रूप दिए हुए हैं, मौखिक और लिखित, और एक तीसरा रूप और होता है सांकेतिक भाषा का। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, मौखिक भाषा, मुख से निकलने वाली भाषा। मौखिक भाषा जो है वो क्या होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी को समझाते हैं। जैसे एक अध्यापिका आपको कक्षा में पढ़ाती है, तो वो कोई भी कहानी सुनाती है, तो वो किस माध्यम से? मौखिक माध्यम से आपको बता रही, यानी बोलकर समझा रही है। जैसे मैं आपको ये भाषा का बोलकर समझा रही हूँ, तो मेरी भाषा कौन सी हुई? मौखिक भाषा हुई। ठीक है, दूसरी भाषा कौन सी होती है? लिखित। लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? कि जब हम अपने मन के विचारों को या अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों को बताते हैं। जैसे हम चिट्ठी लिखकर दूसरों को अपने मन के भाव बताते हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। और दूसरों के लिखे हुए भावों को या विचारों को पढ़कर खुद जो है समझते हैं। जैसे आपके सामने किताबें होती हैं, किताबों में लिखा होता है, आप उस लिखे हुए चीजों को पढ़कर समझते हैं, तो वो चीज क्या है? वो भाषा का लिखित रूप है। समझ में आ गई आपको कि वो भाषा का लिखित रूप है। और एक रूप और मैंने आपको बताया, सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप कौन सा होता है बच्चों? मौखिक में तो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित में हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में हम इशारों के द्वारा, इशारों से किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा जब तक वो बोलना शुरू नहीं करता है, तो अपनी बात को, या उसे भूख लगी है, ठीक है, अपनी बात को कैसे समझाता है? इशारों के माध्यम से, या फिर रोकर, या फिर एक गूंगा व्यक्ति होता है, वो अपनी बात को इशारों से, ठीक है, इशारे करके वो अपनी बात को समझाता है। तो वो भाषा आपकी जो है सांकेतिक भाषा के रूप में आती है। अब इसका एक सीधा साधा उदाहरण जो है हम अपने सड़क पर, रास्ते में भी देखते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं,
वो क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, संकेत के माध्यम से, जैसे वो इस तरह से संकेत देते हैं या फिर इस तरह से संकेत देते हैं, ठीक है। यानी संकेत के माध्यम से जब वो रुकने का इशारा करते हैं तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, वो बोलते नहीं उस समय, सिर्फ संकेत के माध्यम से या फिर ऐसे जाने का इशारा करते हैं। तो ये भाषा कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है। समझ में आ गई तीनों भाषा के कौन कौन से रूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब नेक्स्ट आगे जो है हमारा राष्ट्रभाषा, हमारी जो है राष्ट्रभाषा क्या, तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा को समझो बच्चे। राष्ट्रभाषा क्या होती है, जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी अपने भारत देश में अधिकांश लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। अलग अलग राज्यों की भाषाएं जो होती हैं बच्चे, वो बोलियां होती हैं जो अलग अलग राज्य में बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो वहां पर मराठी भाषा बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाएगी, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाएगी। इस प्रकार अलग अलग राज्यों की जो बोलियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, भाषाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन जो पूरे ही हिंदुस्तान में समझी जाती है, बोली जाती है, वो हमारी क्या है, ज़्यादातर हिंदी भाषा है। तो इसीलिए हिंदी जो है हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। दूसरी हमारी है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है बच्चों, राष्ट्रभाषा अलग होती है, राजभाषा अलग होती है, इसकी परिभाषाएं जो है दोनों की अलग अलग है। राजभाषा क्या होती है, जो भाषा हमारे देश में कामकाज के लिए, यानी स्कूलों में, कार्यालयों में, ठीक है, जो भाषा प्रयोग की जाती है लिखने के लिए, काम करने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है, वो हमारी क्या होती है, राजभाषा कहलाती है। और हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी हमारी क्या, क्योंकि हम जो अपने स्कूलों में और कार्यालयों में हिंदी में भी काम करते हैं। और दूसरी हमारी राजभाषा क्या है बच्चों, अंग्रेजी, ठीक है, क्योंकि जब हम स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरने जाते हैं तो वो हिंदी में भी भरते हैं और अंग्रेजी में भी उसको भरते हैं। तो हमारी राजभाषा क्या हुई, पहली राजभाषा हमारी हिंदी और दूसरी राजभाषा क्या है, हमारी अंग्रेजी। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि मनुष्य जो है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग करता है, भाषा। तो उसने, मनुष्य ने क्या सोचा कि मैं जो अपने विचारों को प्रकट करता हूँ या मैं अपने विचारों को बोलता हूँ, तो ये विचार अगर मैं लिखूँ, लिखने से क्या होगा, ताकि मेरी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन विचारों को, मेरे द्वारा जो दिए गए विचार हैं उनको पढ़ सके, समझ सकें। तो उसके लिए उसने क्या किया, कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए। ध्वनि का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं आ ई, ये हमारी क्या होती हैं बच्चे, ध्वनियाँ होती हैं। और इनके लिए चिन्ह क्या होते हैं, जैसे आ के लिए चिन्ह क्या बनाई मैंने, ये इस तरह से, ये आ के लिए चिन्ह हो गया, ये मैंने ई के लिए चिन्ह बनाया, यानी इस तरह से, ठीक है। और बड़ी ई के लिए, यानी ई के लिए कौन सा चिन्ह बनाया मैंने, इस तरह से। तो कुछ जो ध्वनियां हैं उनके लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया गया, यानी जो लिखने का ढंग क्या कहलाया, हमारा लिपि कहलाया, ठीक है ना। यानी अब क्या है, हर भाषा को लिखने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। जैसे मराठी भाषा अलग तरीके से, हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, पंजाबी भाषा अलग तरीके से लिखी जाती है, उर्दू भाषा अलग तरीके से लिखी जाती है। तो ये जो लिखने का ढंग है ये क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है। समझ में आ गई बच्चों कि लिपि क्या है, जो भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं हमारे जो हैं प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। समझ में आ गई अब आपको, ठीक है। अब लिपि जो हमारी हिंदी की, अब अलग अलग भाषाओं की लिपियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी की लिपि कौन सी होती है, हमारी देवनागरी लिपि होती है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, हमारी
रोमन लिपि होती है, उर्दू की लिपि हमारी फारसी लिपि होती है, पंजाबी की हमारी गुरमुखी लिपि होती है। तो बच्चों इसी तरह से हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है हमारी, ठीक है। यानी इस तरह से हिंदी की जितनी भी लिपि होती है उनमें जो भी चिन्ह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे चिन्ह जो है, जैसे मैंने आपको बताया है आ के लिए ये होता है, ई के लिए ये होता है, बड़ी ई के लिए ये होता है, फिर जो ऊ होता है ऊ के लिए हम उ के लिए हम ये निर्धारित करते हैं, और बड़े ऊ के लिए हम जो है ये वाला चिन्ह निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो देवनागरी हिंदी की लिपि है उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? एक तो सबसे पहले जो देवनागरी हमारी लिपि होती है बच्चों, वो विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि होती है। वैज्ञानिक लिपि का मतलब क्या होता है, मैं समझाती हूँ कि इसको जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। जैसे मैंने आपको एक शब्द बोल के मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा चाकू, ठीक है, चाकू। अब जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही तो लिखूंगी ना चाकू को। किस तरह से लिखा, जैसे मैंने लिखा चाकू, चाकू ऐसा ही लिख दिया। ये कौन सी उसमें लिखा मैंने, देवनागरी में लिखा। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी की लिपि में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, उसमें जो हम बोलेंगे वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, दूसरा ही शब्द लिखा जाएगा। जैसे मैं बोलूंगी नाइफ, मैंने क्या बोला नाइफ, लेकिन लिखेंगे क्या हम KNIFE, ठीक है। तो चाकू को हिंदी में तो मैंने चाकू को चाकू चाकू ही कहा, लेकिन इंग्लिश में हम चाकू को लिखेंगे नाइफ। तो मैंने इसकी लिखा मैंने रोमन लिपि से KNIFE, तो वैसे तो बोलने में ये क्या बन गया, कनाइफ बन गया ना, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। तो अब समझ में आई कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो एकमात्र देवनागरी एकमात्र वैज्ञानिक लिपि इस तरह से है, क्योंकि हम इसमें जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। समझ में आ गई बच्चों? और एक ध्वनि के लिए किसका चिन्ह है, एक ही चिन्ह। पहले हम समझें कि व्याकरण जो है वो क्या होती है, कि व्याकरण एक ऐसी कला है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना व बोलना सिखाती है। भाषा को हम अलग अलग रूप में लिखते हैं, लेकिन जब तक हम उसको सही रूप में नहीं लिखेंगे तो वो भाषा क्या कहलाएगी, गलत भाषा कहलाएगी। तो ये सारी चीज़ें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना बोलना लिखना हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाती है, ठीक है। तो व्याकरण जो है हमें तीन चीज़ें सिखाती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें सिखाती है बच्चों? सबसे पहले हमें सिखाती है वो शुद्ध लिखना, ठीक है, शुद्ध लिखना। दूसरा हमें क्या सिखाती है वो, दूसरा हमें सिखाती है शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध बोलना। और तीसरा जो चीज हमें वो सिखाती है वो क्या है, हमें शुद्ध पढ़ना, यानी हम किसी भी चीज को गलत ना लिखे ना पढ़े और ना ही गलत बोले। अब मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझाऊंगी, जैसे मैंने लिखा कि राधा नाच रहा है, मैंने क्या लिखा उदाहरण के लिए, राधा नाच रहा है। अब व्याकरण के नियमों से जब हम परिचित हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है व्याकरण के नियम कौन से होते हैं बच्चों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन सभी ये सभी चीजें हमारे व्याकरण के नियम कहलाते हैं। इनमें हमें पता चलता है कि कौन सी चीज हमारी गलत है और कौन सी चीज हमारी ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे मैं इन सब चीजों को आपको बताऊंगी। अब एक वाक्य के एक वाक्य लिख रही हूँ तो उसके माध्यम से समझिए कि किस प्रकार से हमने वो वाक्य शुद्ध लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। जैसे राधा नाच रहा है, तो अब आप कहेंगे कि ये बच्चों ये वाक्य हमारा सही हुआ या गलत हुआ,
राधा नाच रहा है। क्या हुआ? गलत हुआ ना ये वाक्य। क्यों? क्योंकि राधा क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि व्याकरण में कुछ नियम होते हैं। राधा क्या है, उन्हीं नियमों के अनुसार देखिए, राधा स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग जब चीज होती है, स्त्रीलिंग कोई होता है तो रहा नहीं आता, उसको भी जो भी हम क्रिया लगाते हैं वो भी हमारे किस में आ जाती है, स्त्रीलिंग में आ जाती है ना। तो राधा नाच रहा है नहीं, क्या लिखेंगे हम, नाच रही है। अब हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। तो हमें ये सारी चीजें कि हमने गलत वाक्य लिखा है कौन बताता है, व्याकरण बताती है हमें ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब आगे अगले उसमें मैं आपको व्याकरण के अंग बताऊंगी। और व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहले आपके व्याकरण के जो अंग होते हैं वो आपके होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब मैं अगला विषय लेकर आपके सामने आऊँ तो आपको वो चीजें आसानी से समझ आ जाए। व्याकरण के अंग किताबों में तो हमारे व्याकरण के 3 अंग लिखे होते हैं, लेकिन आमतौर पर व्याकरण के 4 अंग होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं 4 अंग व्याकरण के, तो समझो, सबसे पहले है वर्ण, वर्ण शब्द पद और वाक्य, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं शुरुआत से लेके कि भाषा किसे कहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, हमारी राजभाषा कौन सी होती है, और एक चीज और बच्चों, हमारी मातृभाषा जो मैं आपको बताना बीच में भूल गई थी, मातृभाषा क्या होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ से या अपने परिवार से जो भाषा सीखता है या जिस भाषा में बात करता है वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। समझ में आ गई।